यह है पोको का M4 Pro 5G। इसमें गूगल अकाउंट लग चुका है, जो कस्टमर को याद नहीं है इसे कैसे रिमूव करेंगे, इसी विषय में आपको बताएंगे। इसे स्टार्ट करेंगे, जो जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ वह सारे करेंगे। यहाँ पर जो है वाईफाई कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो है ऐड नेटवर्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो थीम्स आइकन बना है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्क्रॉल करके मोर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे अबाउट पे और यहाँ पर है प्राइवेसी पॉलिसी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यह बहुत सारी फॉन्ट्स जो है लिखे हुए आगे, इस इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे कंटिन्यू प्रेस करके। उसके बाद यह 3 डॉट्स आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा है सर्च प्रोबेबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओपेरा मिनी ब्राउजर ओपन हो चुका है और यहाँ पर कंटिन्यू, एनेबल, अलाउ और यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट ब्राउजर को ओपेरा ब्राउजर करेंगे, सेट एज डिफ़ॉल्ट और इसको जो यहाँ पर स्किप कर देंगे, अलाउ। और अब जो है ओपेरा मिनी ब्राउजर जो है प्रॉपरली ओपन हो चुका है, इसे हटा देंगे। यहाँ पर वी एन रोम टाइप करेंगे और यहाँ पर जो है सेटिंग दिखाई दे रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ओपन और यह सेटिंग ओपन हो चुकी है। अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे, देख रहे होंगे आप एंड्रॉयड वर्जन 13, इसे बैक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे एप्लीकेशन एप्स से बैक जाएंगे, मैनेज एप्स और यहाँ पर फाइंड एप्स, इसे स्किप करेंगे, अपडेट और यहाँ पर एक्टिविटी लॉन्चर इंस्टॉल करेंगे ACT। एक्टिविटी लॉन्चर इसे इंस्टॉल करेंगे, यस और ओपन, ओके। यहाँ पर सर्च बार पे क्लिक करेंगे, SPACE स्पेस टाइप करेंगे और स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दिख रहा होगा सेकंड स्पेस फिंगरप्रिंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्किप करेंगे। देख रहे होंगे आप, अब फोन जो है अनलॉक हो चुका है। अब यह जो है प्रॉपरली अनलॉक नहीं हुआ है, इसके लिए सबसे पहले हम इसे रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट हो गया, जब तक यह रिस्टार्ट होता है तब तक वेट करेंगे। फोन जो है रिस्टार्ट हो रहा है। तो अगर इस तरह से आपका फोन का FRP या गूगल अकाउंट बाईपास हो जाता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देख रहे होंगे आप फोन अनलॉक हो चुका है, यहाँ पर जो लॉक का आइकन बना होता था वह अभी पूरी तरह से गायब है। आगे भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।